विश्व धरोहर दिवस पर आज लोक कला मंडल में एक संगोष्ठी इंटेक के सहयोग से हुई और उसमें काफ़ी सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे ये लगता है कि हेरिटेज का अनुवाद जो धरोहर के रूप में किया गया है तो हेरिटेज में मूर्त ही मूर्त है और धरोहर में अमूर्त भी शामिल हो गया है। तो इस दृष्टि से इस दिवस का महत्व और बढ़ गया है। इसमें संस्कृति सभ्यता वगैरह पुरानी सारी चीज़ें शामिल हो गई है। मुझे खासकर पत्रकारिता के विषय में बात करने के लिए कहा गया तो मैं सोचता हूँ कि पत्रकारिता की यूं धरोहर देखें तो भोपाल में एक सप्रे हाउस बना हुआ है जिसमें आज तक भारत में जितने भी समाचार पत्र निकले हैं वो वहाँ सुरक्षित और संरक्षित है। वो धरोहर को वहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है और जिस तरह पत्रकारिता की धरोहर की बात है वह निश्चित रूप से उसे संरक्षित और सुरक्षित करने की ज़रूरत आज के समय में और ज़्यादा है। हमारे समय में जो सवाल सत्ता से या प्रभावी लोगों से किए जाते थे वह आजकल बिल्कुल बंद हो गए हैं, लगभग बंद हो गए। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये चिंता का विषय हो जाता है कि पत्रकारिता की जो हमारी विरासत है वो कहीं खो न जाए। इसलिए इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है कि राजनीति के भाव में पत्रकारिता ऐसा ना हो जाए कि अपना मुख्य उद्देश्य ही खो दे और उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वह जानकारियाँ देना है जो सत्ता नहीं देना चाहती। इसलिए इस अवसर पर मेरा तो यही कहना है कि पत्रकारिता को बचाने के लिए उस पर आए संकट के लिए धरोहर दिवस पर यह संकल्प तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को लेना चाहिए कि हम अपनी विरासत को संभाल के रखेंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे। नए बढ़ते हुए युग में बढ़ता सोशल मीडिया बढ़ते सोशल मीडिया में ने एक ताकत दी है आम आदमी को और उस ताकत का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसमें जो यूँ समझ लो कि जो ऐसी जानकारियाँ जो गलत है वो प्रसारित की जा रही है, प्रचारित की जा रही है, उसे कैसे रोका जा सकता है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है या उससे कैसे सावधान रहा जा सकता है यह देखने की ज़रूरत है। वरना सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है और इसका ये जनता को ताकतवर बना रहा है। अब पत्रकारों के सामने क्या चुनौतियां हैं और अब वो अपने आप को कैसे बदलेंगे? पत्रकारिता यदि कोई इस दृष्टि से करता है कि उससे उसका परिवार चल जाएगा तो निश्चित रूप से उसे यह रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह एक मिशन के रूप में ही अब बचा है और पहले भी एक मिशन के रूप में ही था। बीच में कुछ ऐसा अवसर आया कि लोग बाग इसको इसके गलत फायदे उठाने लगे और वो ही आज हावी हो गए हैं। तो इसलिए पत्रकारिता अगर वास्तव में कोई करना चाहता है तो या तो उसको अपना परिवार नहीं रखना चाहिए या उसे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।